चलती ट्रेन में धक्का देकर एक युवक की हत्या करने के आरोप में जीआरपी पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 19 जून को घटी है। आईएस घटना के बारे में लेते अधिक जानकारी कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश पवार से। ये खून का किस्सा आपको फिल्मी जरूर लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। प्यार के चक्कर में एक युवा ने गंवाई अपनी जान अपने ही भाइयों के हाथ। साहिल हाशमी 19 जून को कोपर से दीवा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन के किनारे घायल साहिल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को शक हुआ और उसकी जांच शुरू की। पुलिस साहिल के मोबाइल फोन के कारण मामले की जांच करने में सफल रही। पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि साहिल को उसके चचेरे भाई ने पीटा और उसके बाद कोपर और दीवा के बीच चलती गाड़ी से बाहर धकेल दिया। डोंबिवली रेलवे पुलिस ने एक महीने की पूछताछ के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया और एक अन्य आरोपी को नाबालिग होने के कारण किशोर हिरासत केंद्र में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही निवासी साहिल हाशमी 15 जून को अपनी युवा प्रेमिका के साथ भाग गया था। 18 जून को रत्नागिरी एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना हुई। ट्रेन 19 जून को रात 10 बजे कल्याण स्टेशन पहुंची। बाद में रात 11 बजे लोकल के मोटरमैन ने उसे कोपर और दीवा के बीच रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया। इसकी जानकारी जैसे ही डोंबिवली जीआरपी को हुई, रेलवे पुलिस ने उसके इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। 5 दिन के बाद बेहोश पड़े साहिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने साहिल के पास से मोबाइल फोन जब्त किया और उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। उसके पिता को यह अफवाह मिली थी कि नाबालिग लड़की साहिल के साथ भाग गई है। उसने अंबरनाथ में उसके भाई को इसकी सूचना दी थी। मेल कल्याण के पास पहुँचते ही सभी आरोपी गाड़ी में घुसे और दोनों को देख कर साहिल को पीट पीट कर मार डाला और कोपर और दीवा स्टेशन के बीच चलती गाड़ी से उसे धक्का दे दिया गया। चलती गाड़ी से गिरने के कारण साहिल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अपराध कबूल करने वाले लड़की के पिता सब्बीर हाशमी, भाई कासिम हाशमी और गुलाम हाशमी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी नाबालिग होने के कारण सुधार केंद्र भेजा गया है। दिनांक 19/6/21 रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास कोपर आणि दिवा या दोन स्टेशनच्या दरम्यान एक जखमी आम्हाला बेशुद्ध अवस्थेत मिळाला होता। सदर जखमीस आम्ही पुढील औषधोपचाराकरता सायन हॉस्पिटल येथे दाखल केले होते। त्याच्यात उपचार चालू असताना बेशुद्ध अवस्थेतच तो 23 तारखेला रात्री 11 वाजता मयत झाला। त्याचं नातेवाईकांना शोधण्यासाठी त्याच्या मोबाईलचा वापर करून आम्ही त्याच्या नातेवाईकांना शोधलं आणि तो छनोर जिल्हा भदोई येथील असल्याचे निष्पन्न झाले। त्याच्या नातेवाईकांना कळवल्यावर त्यांच्याकडून आम्हाला अशी माहिती मिळाली की तो एक छनोरमधून 15 तारखेला एका अल्पवयीन मुलीस पळवून घेऊन घरातून निघून गेलेला आहे। सदरची माहिती मुलीच्या वडिलांना 18 जूनला समजल्यावर त्यांनी त्यांच्या मुंबईतल्या नातेवाईकांना मुलीच्या भावाला ही माहिती कळवली। त्यांचे मुंबईतले नातेवाईक आणि मुलीचा भाऊ असे सर्वजण मिळून 10 लोकांनी सदरची ट्रेन रत्नागिरी एक्सप्रेस कल्याण येथे येतात। प्रत्येक डब्यात 2-4 असे चढून त्यांचा मुलीचा आणि जखमीचा शोध चालू केला होता। त्यात मुलीचा चुलत भाऊ कासिम यास, मुलगी आणि हा जखमी झालेला साहिल दिसले एका डब्यामध्ये बसलेले होते दरवाजाजवळ। दरवाजाजवळ त्यांच्यामध्ये झटापट झाली आणि त्या झटापटीत कासिमने त्याला ट्रेनमधून फेकून दिले आणि तो गंभीर जखमी होऊन सायन हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना मयत झाला। अशी हकीकत तपासामध्ये निष्पन्न झाली। आम्ही 10 लोकांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यांना खुनाच्या गुन्ह्यामध्ये सर्वांना अटक केलेली आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।